सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मियोसिस ऑल अबाउट. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस के जो पार्ट है, मियोसिस एक्चुअल में दो स्टेज में कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस वन और मियोसिस टू. फिर हमने देखा था मियोसिस वन के फिर फोर स्टेजेस. पहला है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज और फिर टेलोफेज, और फाइनली वन डिप्लॉइड सेल टू हैप्लॉइड सेल को फॉर्म करती है. ठीक है, फिर ये हैप्लॉइड सेल का फिर से सेल डिवीजन होता है, बट यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा वो बिल्कुल माइटोसिस के समान होता है, और फाइनली हमको चार हैप्लॉइड सेल मिल जाती है. कितने? फोर हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाती है. तो एक डिप्लॉइड सेल से हमको चार हैप्लॉइड सेल मिलती है, किसमें? मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन. ठीक है, और ये हमेशा होता है जर्म सेल में होता है, जर्म सेल. ठीक है, सो लेट स्टार्ट मियोसिस फ्रॉम योर बुक. सो जो प्रोफेज स्टेजेस है, प्रोफेज स्टेजेस में देखो ये पांच स्टेजेस होती है. ये जो है एक्चुअल में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्या होता है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और क्रोमोसोम अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जो सेंट्रोमर है, सेंट्रियोल है, वो डिवाइड होगा. और देखो यहाँ पर ये है सेंट्रियोल और ये डिवाइड हो रहा है, और देखो ये दोनों पोलर रीजन के ऊपर मूव होता है. ठीक है, देखो यहाँ पर और दूर आ गया, यहाँ पर और दूर आ गया, थर्ड में बिल्कुल किनारे पे चले गया, और फिफ्थ में यहाँ पर आ गया. Somebody is in waiting room. Wait a second. Yes, I am. Okay. ठीक है, तो ये जो पांच स्टेजेस है, सो यहाँ की जो थर्ड स्टेजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसको क्या बोलते हैं, पेक्टिन. पेक्टिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, हमने कल देखा था. क्रॉसिंग ओवर मीन्स जेनेटिक मटेरियल का जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वहां पर एक्सचेंज होता है. ठीक है, और फिर बाद में जो डिप्लोटीन और जाइगोटीन में हमारे जो क्रोमोसोम है जो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन दोनों क्रोमोसोम में दोनों टाइप के जो डीएनए है उसके इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद इन द डीएनए और विद इन द क्रोमोसोम. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस पांच स्टेजेस में हमारा प्रोफेज वन कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट स्टेज होती है फिर मेटाफेज. अब हम देखेंगे हमारे बुक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू द टू स्टेज. देखो दो स्टेज में कंप्लीट हो रहा है, कौन कौन सा? एक है मियोसिस वन और दूसरा है मियोसिस टू. मियोसिस वन एंड मियोसिस टू हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है. ठीक है, अब देखो मियोसिस वन में क्या होगा. इन मियोसिस वन रिकॉम्बिनेशन का मतलब जो डीएनए के सीक्वेंसेस है ना, वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, उनमें चेंजेस होता है, क्योंकि दो जो डिफरेंट काइंड के हमारे सेल में क्रोमोसोम्स है, वन हाफ सेट इज फ्रॉम फादर पेरेंट एंड वन हाफ सेट इज फ्रॉम मदर पेरेंट, तो वो जो क्रोमोसोम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है. इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, और फाइनली हमारा जो डीएनए है या फिर एक क्रोमोसोम है उसके इंफॉर्मेशन दूसरे वाले में और दूसरे वाले से पहले वाले में ऐसा एक्सचेंज होता है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. Somebody is in waiting room. Wait a second. Okay. ठीक है, तो ऐसा होता है, ये पांच स्टेज में ही होता है. क्या? रिकॉम्बिनेशन क्लियर हुआ क्या? हमारे जो डीएनए के सीक्वेंसेस है, डीएनए के सीक्वेंस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने के कारण चेंज होते हैं, और उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. और जो डीएनए फॉर्म होते हैं उन डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जीन को हम बोलते हैं या क्रोमोसोम को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम और रिकॉम्बिनेंट जीन. समझ में आया? यस सर. ओके, आगे देखते क्या है. देखो ये रिकॉम्बिनेंट और उसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन जीन टू अनदर. ठीक है, बिटवीन. हाँ, एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो बेटा. सर जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, हाँ हाँ, IVF बोलते हैं उसको, इंट्रो फर्टिलाइजेशन.
हाँ तो सर उसमें उसमें जीन कैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं? अच्छा देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या होता है, सपोज अब देखो वो कंडीशंस होती है बेटा, कंडीशन क्या कि सपोज एक मेल, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मेल और फीमेल, इन दोनों में अगर मेल में कुछ कमियां हैं, कमियां मतलब इनके जो मेल सेल जो जर्म सेल है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, उसमें इनएबिलिटी होती है कि वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता एग सेल को, ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। या फिर फीमेल सेल में जो क्या ओवुलेशन पीरियड है वो इरेगुलर होता है, ओवुलेशन पीरियड का मतलब जब एग सेल रिलीज होता है हम तब की बात कर रहे हैं, या फिर जब एग सेल ट्रेवल करता है ओविडक्ट से, ये हम सब पढ़ेंगे सेक्स को रिप्रोडक्शन में, डोंट वरी, ठीक है। तो वहां पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब स्पर्म सेल पहुंचते हैं एग सेल नहीं पहुंच पाता तो अगेन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो इस कंडीशन में आईवीएफ हम उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल से हम लेंगे मेल जर्म सेल, फीमेल से लेंगे हम एग सेल, दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है न्यूट्रिएंट मीडियम में हम दोनों को कॉम्बाइन कंबाइन करेंगे और फिर यहाँ पर ये जायगोट फॉर्म होगा। अब इस जायगोट को इंजेक्शन निडल के थ्रू यूटेरस ऑफ दिस फीमेल में इम्प्लांट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ हो रही है, इन विट्रो में, इन विट्रो यानी हम उसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। यस सर, हाँ तो ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हमको आने वाला है हमारे चैप्टर कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है, वहां पर हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट मी यूज अनदर कलर, सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, अब दूसरा क्रोमोसोम के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक सपोज ये मेल पेरेंट्स आया है और ये फीमेल पेरेंट्स आया है, ठीक है, अब ये क्रोमोसोम जिनका लेंथ सेम हो, लेंथ जिनका साइज सेम हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं लेंथ शेप एंड साइज सेम होता है, ऐसे दो डिफरेंट क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर होने के पहले क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे जिनका शेप साइज और लेंथ सेम होगी, तब ये फिर इनके ये वाले जो पार्ट है ये मिक्स होंगे, यहाँ पर साइनेप्स फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स इसको हम साइनोमेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और साइनोमेटल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जीन्स का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्सचेंज होता है, अब जो नया डीएनए फॉर्म होगा या क्रोमोसोम फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, वेरी यानी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा, देखो ये वाला जो पार्ट है ये दूसरे क्रोमोसोम का यहां पर अटैच हो गया, और दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट यहां पर आ गया, ठीक है, देखो यहां पर इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, मीन्स यहाँ पर जो डीएनए है जिसने क्रोमोसोम को फॉर्म किया है वहां पर जो नाइट्रोजन बेसिस उनके सीक्वेंस में चेंज हो गया, नया सीक्वेंस फॉर्म हुआ, और नया सीक्वेंस फॉर्म होने को ही हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन कहते हैं, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रिकॉम्बिनेशन, दिख रहा है ये रिकॉम्बिनेशन जिसको मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, यस सर। यस, ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से, जब जो हमने कल लेप्टोटीन सॉरी कौन सा यस लेप्टोटीन जायगोटीन पेक्टिन
डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ये पांच स्टेज में हमने कल देखा था इसको, ठीक है। आगे सो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? टू क्रोमोसोम्स हैविंग सेम लेंथ, सेम साइज, शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना, डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। हेमंत सर बता रहे हैं आपको क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हेन टू क्रोमोसोम हैविंग सेम लेंथ, शेप एंड साइज आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, एंड देयर आफ्टर दोज होमोलोगस क्रोमोसोम नॉट सिस्टर क्रोमेटिड। नॉट सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब इनके खुद के ब्रांच से नहीं होता, दूसरे क्रोमोसोम के ब्रांच से होता है, ठीक है। आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स एंड दस टू हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म। अभी क्या होता है, अब ये यहाँ से डिवाइड होगा, अरे इरेज हो गया, अब ये जो नया क्रोमोसोम जो फॉर्म होगा डिवाइड होने के लिए, ये यहाँ से डिवाइड होगा। देखो सिस्टर क्रोमेटिड यानी यहाँ से डिवाइड नहीं होगा ऐसा, ये दो ऊपर ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ से डिवाइड होगा, एक मिनट में बताए दो यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ। तो ये क्रोमोसोम है ना, तो ये यहां से डिवाइड नहीं होगा बेटा, यहां से डिवाइड हो रहा है तो सिस्टर क्रोमेटिड हो गई है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये कहां से डिवाइड होगा, ये यहां से डिवाइड होगा ऐसा। समझ में आया क्या? इसीलिए यहां पे बोला इसने वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन नॉट द सिस्टर क्रोमेटिड। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यूज में, डायग्राम दे सकता है, और डायग्राम नहीं समझा? नहीं सर। देखो ये क्रोमोसोम का शेप है, ठीक है, क्रोमोसोम का शेप, ये वाली जो आर्म है, ये वाली और ये वाली आर्म है, ये सिस्टर आर्म है, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये अपर वाली और ये लोअर वाली, ठीक है। तो क्रोमोसोम यहां से डिवाइड नहीं होगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड आएगी ना, और ये क्या बोल रहा है, नॉन या नो सिस्टर क्रोमेटिड, इसका मतलब जो क्रोमोसोम स्प्लिट होगा, टूटेगा, वो यहां से टूटेगा, यहां से ऐसा, ठीक है, यहां से टूटेगा, अरे यार यहां से टूटेगा यहां, ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। कौन से, ये अपर आर्म और ये लोअर आर्म, ये नॉन सिस्टर है, और अपर आर्म बोलो दोनों या फिर दोनों लोअर आर्म, ये हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। हाँ बेटा, हाँ राघव कुछ बोल रहे थे, बोलो। एवरीवन? यस सर। सभी को अपना माइक म्यूट रखना है, आवाज डिस्टर्ब कर रही बेटा, जिसको बोलना है वही बोलेगा। हाँ बोलो राघव। हाँ सर, ये माइटोसिस का पार्ट वन है, वो हो गया पढ़ा के पूरा? माइटोसिस मियोसिस का ना, नहीं हम उसी पर हैं, माइटोसिस तो हो गया था उसी दिन, हम मियोसिस पर हैं अभी, ठीक है। तो सर मतलब मेटाफेज पढ़ा के नहीं हुआ? मेटाफेज नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे इतने सारे डिटेल है ना, वो डिटेल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं छुटाया जाता आपका। ओके सर। अब कहाँ गया? सो नो सिस्टर क्रोमेटिड, याद रखना, जो सिस्टर क्रोमेटिड है यानी ऊपर के दो आम और नीचे की आम, ऐसा डिवाइड नहीं होगा, ऐसा होगा एक ऊपर की और एक नीचे की, तो ऊपर की एक आम और नीचे की एक आम को हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहां से ऐसा डिवाइड होगा हमारा क्रोमोसोम, एंड डिवाइड इनटू टू ग्रुप एंड दस टू हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म। अब यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लोइड सेल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट, हम इसको कहेंगे मियोसिस वन खत्म, ठीक है, यहाँ पर होगा मियोसिस वन खत्म। अंडरस्टूड नाउ?
सर ओके ठीक है, तो ऐसा करो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए तरीका हो गया। ओके ओके अब हम देखेंगे, अब ये है मियोसिस टू का पार्ट है। देखो ये जो दो सेल फॉर्म हुई है ये हमको मियोसिस वन से मिली है, अब मियोसिस वन के बाद मियोसिस टू स्टार्ट होगा। ठीक है एक मिनट में यहाँ पर डिप्लॉइड सेल फॉर्म करने दो। देखो यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल थी, डिप्लॉइड सेल से हमको दो हैप्लॉइड सेल फॉर्म हुई है, तो ये हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल का मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाना। ठीक है ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है एक सेल में तो हमको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, लेकिन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हमको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, ये डिप्लॉइड सेल। तो हमको डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल कैसे फॉर्म हुई है, मियोसिस वन से, मियोसिस वन से। ठीक है अब यहाँ पर जो प्रोसेसेस है बिल्कुल, ये जो मेटाफेज है बिल्कुल, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और टिलोफेज, ये बिल्कुल एज सिमिलर एज है माइटोसिस के। ठीक है और हमको फाइनली और माइटोसिस हमने हम पढ़ चुका है, तो क्या होगा माइटोसिस में, मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है ये इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर अरेंज होंगे। देखो इक्विटोरियल प्लेन में अरेंज हो गए, जो सेंट्रियोल्स थे यहाँ से स्पिंडल फाइबर रिमूव होंगे यानी इमर्ज होंगे और वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमर से ये पास थ्रू होंगे और ये दूसरे सेंट्रियोल तक, दूसरे किनारे, दूसरे पोलर के, पोलर रीजन के सेंट्रियोल तक के पास होंगे। देखो ऐसा दिख रहा है ये, अब ये जो क्रोमोसोम है देखो यहाँ से स्प्लिट होगा, देखो यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, तो देखो उसका डिवाइड कैसे हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से हो रहा है। आया ना, देखो ये चले जाएगा ऊपर और ये चले जाएगा नीचे, देखो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है जो डिवाइड होकर जा रही है और ये हो रहा है स्पिंडल फाइबर पुल करेंगे उस क्रोमोसोम को और दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है और फाइनली हमारी जो सेल में ये नॉच फॉर्म होगा और सेल डिवीजन यहाँ पर होता है अगेन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से दो सेल से हमको अब चार सेल मिल जाएगी। देखो ये चार हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया और ये होता है मियोसिस टू से, इसलिए मियोसिस टू की स्टेजेस को यहाँ पर प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टेलोफेज टू नाम दिया हुआ है। ठीक है और ये बिल्कुल माइटोसिस के सिमिलर है। क्यों माइटोसिस के सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो रही है, उनका नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये माइटोसिस के समान है, बट ये मियोसिस का पार्ट है इसलिए हम उसको मियोसिस टू कहते हैं। अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. सर लास्ट का थोड़ा थोड़ा नहीं समझे सर। ठीक है मैं इसको वापस समझा दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो ये दो हैप्लॉइड सेल प्रोफेज टू में जो दिख रही है कहाँ से ही पता चल गया, ये वाली, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली सेल कहाँ से ही पता चल गया, ये आई है मियोसिस वन से। ठीक है मियोसिस वन में टू एन वाला क्रोमोसोम सेल था जिसको हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं, इसने हमको दो सेल दे दी मियोसिस वन। ठीक है अब मियोसिस वन का जो यहाँ पर जो सेल फॉर्म हुई है ये जो है ना ये प्रोसेसिंग दोनों के लिए सेम है, तो ये ऐसी हुई फिर इससे ये ऐसा हुआ, इससे ऐसा हुआ और फिर इसने दो सेल दे दिया, सेम इसने भी सेम प्रोसेस हुई है और यहाँ पर फिर से ये दो सेल फॉर्म होंगे। सो एक्चुअल में यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल डिवाइड होकर दो हैप्लॉइड सेल को फॉर्म कर रही है, बट हमारे पास तो दो हैप्लॉइड सेल है तो दो हैप्लॉइड सेल से हमको टोटल चार हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो रही है। ठीक है प्रोसेस बिल्कुल मेटाफेज के समान है। क्या होता है मेटाफेज में, प्रोफेज वन में, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज स्टेज में डीएनए बोलते हैं क्या, जो सेंट्रोमर है सेंट्रोमर स्प्लिट होगा और एक किनारे की तरफ जाएगा, देखो किनारे की तरफ जा रहा है फाइनली किनारे में पहुंच गया, दिख रहा है ये पोलर रीजन में, फिर यहाँ से स्पिंडल फाइबर इमर्ज होंगे और स्पिंडल फाइबर इमर्ज होने के बाद ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमर से पास थ्रू होंगे ऐसा। ठीक है देखो दिख रहा है यहाँ पर ये ऐसा पास थ्रू होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और फिर ये हो गया मेटाफेज में, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा हूँ आपको। ठीक है और उसके बाद
नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। देखो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया और ये जा रहा है दूसरे पोलर रीजन की तरफ, और ये अब पोलर रीजन में जमा होने के बाद फिर एनाफेज टू में ये फाइनली हम पहुंच जाते हैं और फिर उनका डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर न्यूक्लियस वापस अपीयर होता है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल मेटाफेज के समान है जो हमने मेटाफेज में पढ़ा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। और हमको फाइनली यहाँ पर ये दो सेल है, यहाँ पर दो सेल है, दो हैप्लॉइड सेल, और यहाँ पर हमको चार हैप्लॉइड सेल फॉर्म होंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होती है मेयोसिस टू में, ठीक है। ओके, यहाँ पर किसी को डाउट है सर? हमारे पास सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आती है, देखो हमारे पास ना सबसे पहले एक सेल थी जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n था, 2n यानी डिप्लॉइड सेल है। ये कौन सी सेल है? डिप्लॉइड सेल, ठीक है। डिप्लॉइड सेल से हमको दो हैप्लॉइड सेल मिली, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, ठीक है। यह है हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, और ये जो सेल डिवीजन हुआ है ये हुआ है मियोसिस वन में, मियोसिस वन से हुआ है चारों स्टेज मिलाकर। कौन कौन से चारों स्टेज? प्रोफेज के पांच स्टेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, फिर बाद में यहां से वापस मियोसिस टू स्टार्ट होता है जो इन हैप्लॉइड सेल से वापस दो दो हैप्लॉइड सेल फॉर्म होती है। देखो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पर एन एन सेल है, और ये जो प्रोसेस होती है ये मियोसिस टू में होती है, मियोसिस टू में होती है। सो टोटल हमको एक सेल से कितने सेल मिल गई है? फोर हैप्लॉइड सेल, फोर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। सो टोटल मियोसिस में, सो मियोसिस यानी क्या हो गया? मियोसिस टोटल प्रोसेस इक्वल होता है मियोसिस वन, वन प्लस मियोसिस टू, ठीक है। ये होती है मियोसिस कंप्लीट प्रोसेस, और दोनों प्रोसेस मिलाकर टोटल हमको चार हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन होता है एक डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। अथर्व? यस सर। अंशुमन समझा क्या बेटा? यस सर। अब देखते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है। चलो मियोसिस टू, मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस। देखो मैंने बोला था बिल्कुल माइटोसिस के समान है, ठीक है, बिल्कुल माइटोसिस के समान है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन दिस स्टेज टू हैप्लॉइड डॉटर सेल, देखो दो हैप्लॉइड डॉटर सेल कहां से फॉर्म हुई है? फॉर्म्ड इन मियोसिस वन, देखो मियोसिस वन से फॉर्म हुई है, अंडर गो अगेन सेल डिविजन बाय द सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमेटिड एंड फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। देखो हमको फोर हैप्लॉइड सेल मिल रही है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द गेमेट प्रोडक्शन, गेमेट प्रोडक्शन का मतलब हमने नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं, पेरेंट सेल का जब सेग्रीगेशन होता है तो गेमिट्स फॉर्म होते हैं, और गेमिट्स में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, हमने देखा था। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सपोज ये हो गई मेल सेल और ये है फीमेल सेल, ठीक है। हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया था, मैं थोड़ा सा उसको जूम कर, नहीं साइड में लेके जाता हूँ मैं। चलो हमने क्या देखा था नाइन्थ क्लास में, सपोज ये एक सेल है, लेट मी चेंज द इंक, हाँ मैं प्रोसेस बताता हूँ। सपोज ये है मेल पेरेंट और ये है फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या था? यहाँ पर था जो मेल सेल, यहाँ पर था टोटल 22 प्लस एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर फीमेल के केस में 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। ये है पेरेंट सेल, हम इसको P1 जनरेशन भी कहते हैं, P1 सेल या पेरेंटल जनरेशन सेल कहते हैं। अब यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन यानी गेमिट का फॉर्मेशन। तो गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होगा?
अब देखो 22 पेयर थे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 पेयर प्लस 1 क्रोमोसोम, वो हमने यहाँ पर x ले लिया, प्लस x और दूसरे वाले में हमने ले लिया 11 पेयर प्लस y, ठीक है। फीमेल के केस में यहाँ पर भी गेमिट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी जाएगा 11 पेयर प्लस x और दूसरी भी सेल में 11 पेयर प्लस x, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया ना, यहाँ पर पेरेंट सेल में क्या था 22 प्लस 2 यानी 22 पेयर है ये पेयर प्लस ये 1 पेयर एंड टोटल हो गया 46, लेकिन यहाँ पर 23 है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है कि नहीं, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है, इसका मतलब ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये अगर कंबाइन होंगे या ये इससे कंबाइन होगा तो फिर न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, क्या हो गया था आवाज आ रही है आप लोगों की आवाज कट कट के आ रही है ना, एक मिनट सर, मेरा तो 1 MB/s चल रहा है, 1 MB आई थिंक मेरा नेटवर्क खत्म हो गया आजकल लग रहा है मुझे, क्योंकि 2 GB नेट यूज करता है मैं, वेट अ सेकेंड ना, लेट मी कनेक्ट अनदर डिवाइस, ओके आगे आगे देखते हैं। प्रोसेस अब देखो यहाँ पर दिया ना, प्रोसेस ऑफ गेमिट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन, अब गेमिट प्रोडक्शन इन केस ऑफ मेल्स फीमेल एंड मे बी एनिमल्स एंड स्पोर फॉर्मेशन इन केस ऑफ फंगस, ओके, और गेमिट फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में भी, ठीक है, और ये होता है मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, कौन से प्रोसेस, मियोसिस प्रोसेस। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिविजन 4 हैप्लॉइड सेल, देखो 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, कितनी सेल 4 हैप्लॉइड सेल, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर देखो ये एन दे रहा है, एन यानी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि पेरेंट सेल में होता है 2n और ये फिर एन एन यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। किसने पूछ लिया व्हाट इज हैप्लॉइड सेल, तो आपको बोलना है द सेल विच कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट सेल इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल, ठीक है। अब इसको हम डॉटर सेल भी कहते हैं क्योंकि वो पेरेंट सेल से फॉर्म हुआ है, ठीक है। आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 diploid cell, देखो एक डिप्लॉइड सेल से हमको 4 haploid cell मिल रही है, समझ में आया क्या। ड्यूरिंग दिस सेल डिविजन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देखो क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, और होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, 2 chromosomes having same length, size and shape are called as homologous chromosome and thereby genetic recombination occurs, क्योंकि next generation में जब DNA जाएगा तो suppose अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे एक example ले रहे हैं, तो हमारे में जो gene है वो 50 है male हमारे parents से और 50 है female parents से, अब हमसे जब आने वाले generation में gene का transformation होगा तो जो हमारे पास male और female दोनों जो gene है वो दोनों के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होंगे और एक नया डीएनए फॉर्म होगा और वो नया डीएनए नए क्रोमोसोम को फॉर्म करेगा और वो क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में हमारे से हमारे दोनों पेरेंट के कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, समझ में आया क्या, ऐसा होता है, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कर लगा? यस सर, ओके।
ड्यू टू दिस ऑल द फोर डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, क्योंकि जो सारे के सारे जो हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो रही है सब में जीन का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, सब में अलग अलग है, क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे क्रोमोसोम में नहीं होता, कुछ पार्ट में ही होता है, इसलिए जो फोर डिफरेंट जो सेल होगी वो हर सेल अलग अलग टाइप के कैरेक्टर के साथ होंगे फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ईच अदर टू, एक दूसरे से भी अलग होगी और पेरेंट सेल से भी अलग होगी, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस टू, समझा? यस सर. यस सर. ओके ठीक है, तो हम सर एक मिनट बचा है. हाँ तो ये एक अनियन का एक्चुअल में ये क्या करना है आपको, हम स्कूल में करेंगे. एक अनियन के रूट्स जो है ना, अनियन को हम रखेंगे वाटर में. अब हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने ले लिया वाटर, वाटर में थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया और यहाँ पे हम रखेंगे अनियन. अनियन तो अनियन के नीचे वाले पार्ट से रूट आएगी. अब जब रूट आएगी तो रूट के टॉप में रूट कैप होता है, रूट कैप. सो रूट कैप को हम कट करेंगे, स्लाइड के ऊपर रखेंगे, स्लाइड के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर कवर स्लिप डालेंगे, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये रूट कैप टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगा और हम उसको